भीड़। लगभग 2 घंटे की ये फिल्म आपको यह दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन लगने के कुछ दिनों बाद लोगों ने किस किस तरह के दुख झेले थे। किसी ने अपनों को खोया था तो किसी ने अपने आप को। पूरे शहर में जब नाकाबंदी हो गई थी तो लोग तड़प उठे थे अपने अपने घर जाने को। उन्हीं सब चीजों के बारे में इस मूवी के अंदर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हमें वो सब दिखाने की कोशिश की है। वेल, क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन प्रीमियर रेट में। दोस्तों, आपको मूवी की कहानी से ज्यादा राजकुमार राव की एक्टिंग से प्यार हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी अपनी एक्टिंग को लेकर के कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और वहीं जितने भी सपोर्टिंग कलाकार आपको नजर आएंगे उन्होंने भी जबरदस्त काम किया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर कुछ चीजों पर फोकस किया गया है, जैसे एक गरीब लड़की की मजबूरी दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ वापस घर लौट रहे कुछ गरीब लोगों का दुख, और तीसरी तरफ पुलिस वालों की नाकाबंदी जो ऊपर से ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं बस, और वहीं चौथी तरफ मीडिया की कवरेज, और पांचवी तरफ कुछ पॉलिटिकल लोगों का गुस्सा। इन्हीं सब चीजों को मिक्स करके ये फिल्म तैयार की गई है। दोस्तों, मुझे बस मूवी के अंदर सेक्स वाला सीन बहुत घटिया लगा, और वहीं दूसरी तरफ वो धर्म वाली जो चीज दिखाई गई है, यार बस क्या कहूं मैं, जरूरी था ये सब दिखाना। अच्छी खासी मूवी की बैंड बजा डाली ये सब दिखा करके। भाई, सेक्स वाला बैड सीन तो पूरी अच्छी तरीके से दिखा रखा है, आपको पूरा फील आ जाएगा भाई। और वहीं जो धर्म को लेकर के खाने वाली चीज दिखाई गई है वो तो भाई साहब हद ही पार कर देती है। वेल दोस्तों, ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। बाकी मूवी की कहानी बढ़िया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने किस किस तरह के दुख झेले थे वो इसमें विस्तार से तो नहीं दिखाया गया, बट आपको उन लोगों का थोड़ा बहुत दर्द जरूर फील करा देगा जो लोगों ने उस टाइम फील किया था। जहाँ जहाँ भी नाकाबंदी हुई थी लोगों ने भाई साहब बहुत कष्ट झेले होंगे उस दौरान। दोस्तों, मूवी का फर्स्ट हाफ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन मूवी जैसे ही अपने सेकंड हाफ में आती है भाई साहब पूरी मूवी का कचरा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाया गया और ना ही इस मूवी की एंडिंग सही थी। एटलीस्ट एंडिंग सीन में और भी बहुत कुछ होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों कुछ भी है आपको ये मूवी थोड़ी बहुत तो पसंद आएगी। आप असली चीज तो दिखा नहीं सकते ना जो लोगों के साथ हकीकत में घटी थी। वेल, मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 5 out of 10। तो दोस्तों, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या लगता है, और इस मूवी को देखने के दौरान आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।